हेलो गाइस, टॉकिंग दुकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीवा संगरौली न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। चलो शुरू करते हैं। ये न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट रीवा से संगरौली तक का है, और अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन की लेंथ के बारे में, तो इस रेलवे लाइन की लेंथ रीवा से सिंगरौली तक की 164 किलोमीटर की है। और अब हम बात कर लेते हैं रीवा रेलवे स्टेशन के बारे में। रीवा रेलवे स्टेशन एक डबल प्लस इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है और कंप्लीट है पूरे तरीके से। और अगर हम बात करें सिंगरौली रेलवे स्टेशन के बारे में, तो सिंगरौली रेलवे स्टेशन एक सिंगल इलेक्ट्रिफाइड कंप्लीट है और डबलिंग का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन के बारे में। रीवा सिंगरौली रेलवे लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है मध्य प्रदेश स्टेट में, और इस रेलवे लाइन का काम बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है, और रेलवे ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं, इनका काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन पर बनने वाली टनल के बारे में, तो इस रेलवे लाइन की टनल 750 मीटर से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, और धीरे धीरे इसको भी पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा रेलवे की तरफ से। और अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन के बजट के बारे में, तो इस रेलवे लाइन पर 2,220 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, इंडियन रेलवे की तरफ से बताया गया है इस रेलवे लाइन का बजट। और इस रेलवे लाइन का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो ये रेलवे लाइन है, ये मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ती है, और रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश स्टेट में। और अगर हम बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली भी एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश स्टेट में। इस 164 किलोमीटर रेलवे लाइन यानी कि रीवा संगरौली रेलवे लाइन पर कम से कम 8 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से मैं कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि सिलपाड़ा, गोविंदगढ़, बागवार, रामपुर, निकिन, जलवाड़, सिद्धी जैसे रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे इस 164 किलोमीटर रेलवे लाइन पर। इस रेलवे लाइन के बन जाने के बाद सतना, रीवा और सिंगरौली के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी सिंगरौली से जुड़ने के लिए, और जिससे कि लोगों का समय भी बचेगा और बहुत ही कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुँच सकेंगे। और अगर हम बात करें इस रेलवे लाइन के टारगेट के बारे में यानी कि कंप्लीशन के बारे में, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस रेलवे लाइन को 2023 या 24 तक पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रीवा संगरौली न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना, और हाँ, आप लोग का फेवरेट चैनल टॉकिंग दुग्गल, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और हर एक न्यू अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू।